सब्सक्राइब करें डी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पहुंचे आपके पास सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, डिजायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है। अंपायर ने स्टीव स्मिथ को दो बार रन लेने से रोका। गुस्से से अपना आपा खो बैठे स्मिथ पहुंचे अंपायर के पास और कर दी ऐसी हरकत। जी हां, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच मेलबर्न में शुरू हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट में कीवी गेंदबाजों ने पहले दिन चाय तक कंगारू बल्लेबाजों का कड़ा इम्तिहान लिया। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के दोनों ओपनर लंच तक पवेलियन लौट चुके। मार्नस लेविशेन ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन चाय के पहले ही 63 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। टी के बाद स्टीव स्मिथ ने भी अर्धशतक जड़ा, लेकिन पहले दिन लंच के पहले स्टीव स्मिथ और अंपायर निजेल लॉन्ग के बीच जोरदार बहस चर्चा का विषय बन गई। अब हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कीवी गेंदबाज नील वैंगनर ने क्रीज पर आते ही स्टीव स्मिथ के खिलाफ शॉर्ट पिच गेंदों से निशाने पर रखा। वैगनर ने राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दो बार शॉर्ट पिच गेंदों से स्मिथ के शरीर को निशाना बनाया, लेकिन इन दोनों ही गेंदों पर स्मिथ ने कोई शॉट खेलने की कोशिश नहीं की। परंतु जैसे ही उन्होंने इस पर सिंगल चुराने की कोशिश की तो अंपायर निजेल लॉन्ग ने उन्हें रन लेने से रोकते हुए क्रीज में ही रहने को कहा। लॉन्ग ने दोनों ही गेंदों को डेड बॉल घोषित कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि स्मिथ ने उन दोनों गेंदों पर कोई शॉट नहीं खेला था। अंपायर द्वारा पहली बार रोके जाने पर तो स्मिथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो स्मिथ भड़क गए और उनके और अंपायर लॉन्ग के बीच इस बात को लेकर तीखी बहस हुई। इस बहस के बाद दोनों बल्लेबाज मैदान छोड़कर जाने लगे। अंपायर की इस प्रतिक्रिया पर शेन वॉर्न ने कमेंट्री करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि वह इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि यहां अंपायर गलत है। वॉर्न ने कहा कि स्टीव स्मिथ के पास नाराज होने का पूरा अधिकार है, क्योंकि निजेल लॉन्ग का हस्तक्षेप गलत है। शेन वॉर्न ने आगे कहा कि नियम ये है कि अगर आप कोई शॉर्ट गेंद छोड़ते हैं और वो आपके शरीर के किसी हिस्से को हिट करती है तो आपको रन लेने का अधिकार है। अब हम बताते हैं कि क्या कहता है नियम। आईसीसी नियम के अनुसार अगर गेंदबाज द्वारा फेंकी गई गेंद पहले स्ट्राइकर बल्लेबाज को हिट करती है तो रन तभी बनेगा जब अंपायर इस बात को लेकर संतुष्ट हो कि स्ट्राइकर ने गेंद को बैट से खेलने की कोशिश की है या गेंद द्वारा हिट होने के बाद उसे छोड़ने की कोशिश की है। पर यहाँ दोनों स्थिति में स्मिथ ने ऐसा नहीं किया था, शायद इसीलिए अंपायर ने उन्हें रन लेने से रोका था। अब इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ, डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।